Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and good. So let's start our lecture number 7. Countdown class 4 ka hamara ye 4th week ka first lecture and date is 22 December Tuesday. So let's start our lecture. Okay ji, exercise hai hamare paas 5C jiska question number 5 aaj start karenge hum. Convert the following into liters. अब liters क्या होते हैं और milliliters क्या होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था. अब ये देखें 456 milliliter को आपने चेंज करना है liters में. तो 1 liter के अंदर 1000, ठीक है, 1000 milliliters होते हैं बच्चों. तो हमने क्या करना है, अब मिलीलीटर को लीटर में यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है. हमने तो हमेशा डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और अगर बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाना हो तो हम उसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब 1000 के साथ जब मैं डिवाइड करूँगी इसको, तो 1000 के कितने ज़ीरो, 1 2 3 0 है ना, तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले मैं पॉइंट लगा दूँगी. पॉइंट से पहले हमेशा आपने ज़ीरो लगाना है यहाँ पर, ठीक है. अगर सिंपल स्टार्ट ही पॉइंट से हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लगाऊंगी. अब ये देखें 4, 6, 5 and 4, ये 3 डिजिट्स हैं, तो इनसे पहले ज़ीरो लग जाएगा. इसी तरीके से सारे आपने क्वेश्चंस करने हैं, पॉइंट से 3 डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगा देना है. ये 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. अगर खाली पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है. सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस ये आपके लिए होंगे ताकि आप अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए. अभी देखें एक्सरसाइज 5D है, ये सेकंड डे का लेक्चर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए. तो एक्सरसाइज 5D है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे. राइट एज 24 आवर क्लॉक टाइम यूजिंग AM and PM, सॉरी 12 आवर क्लॉक टाइम यूजिंग AM and PM. अब ये देखें 5:20 आवर्स दे रहा है वो, ठीक है, यानी 5:20 हो गए. तो अब बताएं कि ये AM में लिखेंगे या PM में लिखेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ. ओके जी, ये देखें, ये हमारे पास कन्वर्टिंग 12 आवर and 24 आवर क्लॉक्स. अब ये देखें सिंपल जो क्लॉक होता है ना हमारे पास, होता है 1 2 3 4 5 6 8, ये 12 तक होता है. ये हम PM में, इसको आफ्टरनून के बाद ये चेंज हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है. ये आफ्टरनून 12 PM होता है, 12 PM होता है ना आफ्टरनून, तो 12 PM के बाद ये दोबारा से वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. तो ये अब इसको हम PM में काउंट करते हैं, ठीक है. यहाँ तक हम जो AM में काउंट करते हैं, 12 के बाद यहाँ से फिर दोबारा से हम इसके साथ PM लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है. लेकिन अगर 24 आवर क्लॉक होगा ना हमारे पास, तो ये PM से यहाँ पे ये देखें 12 के बाद 1 स्टार्ट नहीं करेगा, 12 से ऑनवर्ड आएगा 13, 24, 15, 16, 18 and 19, इस तरह करके वो अपने ये 24 तक यहाँ तक कंप्लीट करेगा, ठीक है. अब अगर हमारे पास ये देखें 13 ये यहाँ तक आएंगे ना नंबर्स, तो हम इसके साथ PM लगाएंगे, और यहाँ तक अगर नंबर्स आएंगे तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, AM, ठीक है. इतनी सी बात समझ आ गई. अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 5:20 PM, 5:20 हुए हैं, तो इसको AM लिखेंगे. अब 17 आवर्स एंड 60 मिनट्स, इसको वो कहता है कैसे लिखना है 12 आवर क्लॉक में. ये देखें 17 किस पे आता है, 5 पे, तो 5:16 हो गए. ओके जी, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है 00 आवर्स किसे शो करता है. ये देखें यहाँ पे 00 आवर्स जो है वो AM 12 AM को शो करता है, यानी मिडनाइट, ठीक है. AM जो है मिडनाइट को शो करेगा, और 12 ये यहाँ पे आ जाएगा मिडनाइट. उसके बाद 00:45 यानी कि 12:00 कितने मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए. AM ही रहेगा रात के ही, ये 12:45. उसके बाद 12 पूरे 12 कब बजते हैं, यहाँ पे 24 आवर क्लॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे 12 ये नून में नून हो जाती है, यानी कि ये पूरी यहाँ पे 12 आवर्स, सॉरी ये नून हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे दोपहर के 12 बज जाएंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें. क्लॉक देखना, 24 आवर क्लॉक देखना आपको आसानी से आगे, मोबाइल से आप आसानी से हेल्प ले सकते हैं. उस 24 आवर क्लॉक में अगर मोबाइल को हम सेट करते हैं ना क्लॉक इसका, तो वो आसानी से हमें समझ आती है कि ये कौन से हैं,
ये क्या टाइम हो गया और ये AM है या PM है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, इन दो क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। आज के लिए इतने ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।